हेलो फ्रेंड्स, मैं मनी, जैसे कि आप मुझे जानते हो, मेरे चैनल है टेक्निकल लवली मनी चैनल, दूसरा स्विमिंग बार मनी। टेक्निकल लवली मनी चैनल का लिंक ऊपर आई बटन और नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज की जो वीडियो है वो है अंडर वाटर के ऊपर, कि जब मैं अंडर वाटर करता हूँ तो मैं ऊपर आ जाता हूँ, नीचे कैसे जाना है। ये छोटे छोटे कमेंट बहुत ज़्यादा आ रहे थे, मैंने सोचा अंडर वाटर के ऊपर वीडियो बना दे। और अंडर वाटर में सांस कैसे लेना है, जब हम अंडर वाटर करते हैं तो सांस कैसे लेना है। पहली बात मैं बता दूं कि जब हम अंडर वाटर करते हैं तो हम सांस नहीं ले सकते, हमें सांस रोकना पड़ता है। और जब तक हमने सांस रोका है, जितनी दूरी तय हो जाए, बल्कि वो एक बारी में होता है, तो हम बाहर आके सांस लेते हैं बस, ठीक है। अंडर वाटर ऐसा नहीं होता कि आप अंडर वाटर सांस भी ले सको। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, एक चीज़ बता दूं कि जब आप स्विमिंग करते हो तो नॉर्मली आप सांस ले सकते हो, जैसे हम स्विमिंग करते हैं, ब्रीथिंग की है, सांस ले लिया ऐसे करके। पर जब हमने अंडर वाटर करना, तो एक लंबी सांस लेके हमने अंदर सांस भर लेना, जैसे बस इसको होल्ड कर लेना है, फिर स्विमिंग करनी है। अब मैं बताने वाला हूँ कि जब हम अंडर वाटर करना चाहते हैं तो उसकी दो रिदम, मतलब कि सबसे, मेरे हिसाब से सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है ये। अगर आपने दूरी तय करनी है तो कोशिश करो कि जब भी आप अंडर वाटर कर रहे हो, अगर ज़्यादा गहरा नहीं है, सपोज करो 8 फुट गहरा है, तो भी आप इजीली फ्लोर के पास चले जाओगे, या फिर 8 फुट से ज़्यादा गहरा है, 16 फुट है या 18 फुट है, तो आप एकदम फ्लोर के साथ नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो क्या होता है कि जैसे कि ये फ्लोर है, अब अंडर वाटर करता हूँ, मैं थोड़ा नीचे बैठ कर बता देता हूँ, क्योंकि फ्लोर एकदम साफ है, बारिश हुई है, एकदम चकचक हुआ है, तो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि ये थोड़ा सा इसको ऊपर कर देता हूँ, तो अंडर वाटर में क्या होता है कि जब अगर हम फ्लोर के साथ करते हैं, बेनिफिट ये रहता है कि जो फ्लोर के साथ करते हैं तो हमें ज़्यादा प्रेशर नहीं रहता, ठीक है। अब जैसे सपोज करो हमने अंडर वाटर करनी है, अगर मैं ये, जैसे पानी 3 फीट है, उधर जाता जाता गहरा हो जाता है, ठीक है, तो आई थिंक मुझे उधर पानी है, नहीं तो मैं उधर समझा देता। तो यहाँ अंडर फुट में क्या करना है, जैसे सपोज करो ये ज़्यादा गहरा है, मतलब कि 8 फुट है, यहाँ तक 6 फुट हो गए, यहाँ 8 फुट है, ठीक है, तो हमने यहाँ बीच में नहीं तैरना, हमने एकदम फ्लोर के साथ तैरना है। इससे क्या होगा, इससे आपकी स्पीड ज़्यादा तेज बनेगी, ठीक है, सांस कम जड़ेगा और आपको आपकी स्पीड दिखती रहेगी, फ्लोर एकदम क्लियर दिखेगा आपको, तो आपकी स्पीड पता चलती रहेगी कि कितनी स्पीड है, आप किस स्पीड से आगे बढ़ रहे हो, कितना दूर रह गया है। अगर आप इस फ्लोर पे तैरते हो तो आपको पानी के दोनों साइड का प्रेशर आपको झेलना पड़ता है। तो इजीली जब आपने अंडर वाटर करना है तो नीचे जाने के ट्रिक्स क्या है, जैसे कि एग्जांपल के लिए मैं आपको बता देता हूँ, ये आप एक एग्जांपल चेक करो, जैसे कि ये गहरा पानी है, जैसे ये दीवार है, ठीक है, ये दीवार है, ठीक है। अब अंडर वाटर करने के लिए मुझे क्या करना है, लिसन, मेरा नीचे पैर लगा हुआ है, तो मैं ऐसे जंप कर, ऐसे नीचे आके फिर प्रेस मारूंगा, इसको प्रेस मारूंगा, फिर आगे जाऊंगा, काफ़ी दूर तक आगे जाऊंगा, मेरी दूरी जो होगी फ्लोर से वो इतनी दूरी होगी, बस इतनी दूरी, जैसे ये फ्लोर है और मेरा फेस ये होगा, तो मैं इजिली कर पाऊंगा, ऐसे ऐसे करता आऊंगा मैं, ऐसे ऐसे, ठीक है, बल्कि आपको समझ में आ गया होगा, दूर मुझे तो कैमरा क्लियर नहीं दिखता, पर दूरी जो होती है वो जितना फ्लोर के पास होगे उतनी ज़्यादा दूरी तय कर पाओगे, उतनी स्पीड ज़्यादा रहेगी, ठीक है। अब आती है ट्रिक्स हैंड मूवमेंट की, हैंड मूवमेंट में क्या करना है वो चीज़ मैं बता देता हूँ आपको। मुझे पता नहीं साउंड कैसा आ रहा होगा, कैसा नहीं आ रहा होगा, मेरी शॉर्ट्स कैसे जा रहे हैं मुझे पता नहीं। अंडर वाटर में मैं बता देता हूँ, जब आपने तैरना है ऊपर ना आओ, उसकी ट्रिक्स क्या है, जब हम स्विमिंग ऐसे हाथ आगे ले आके जब हम ऐसे खींचते हैं ना, तो इन हाथों का पोस्चर थोड़ा ऐसे रहता है, ऐसे, जिसके कारण हमारा प्रेशर नीचे को रहता है, हम ऊपर नहीं आते। हम बिल्कुल ऐसे हाथ करके ऐसे खींचेंगे ना, तो हम आगे बढ़ेंगे पर साथ ही साथ ऊपर भी आ जाएंगे। तो हमने फेस नीचे रख के हमने ये हाथ ऐसे खींचने हैं, जिसके कारण ये ऐसे होगा, जो जब पानी जाएगा हमारे मूवमेंट को आगे भी बढ़ाएगा और नीचे भी रखेगा, ठीक है। तो क्या करना है, जब आपने अंडर वाटर करना है तो आपने एकदम फ्लोर के साथ रहना है। नीचे कैसे जाना है, जंप मार के आप नीचे बैठ जाओ, दीवार के साथ स्टार्ट कर रहे हो तो, ठीक है। अगर आप जैसे बीच में से स्टार्ट करना है तो आपने स्टार्ट कुछ ऐसे करना है, मतलब कि ऐसे फ्लोर लेके एकदम नीचे जाना है, सीधा नीचे, नीचे जाने के बाद फिर सीधा होना है, ठीक है। अगर आप ऐसे ऐसे खड़े हो तो आप ऐसे नीचे नहीं जाओगे, या फिर फ्लोट करके फिर नीचे जाने में ही सारा प्रेशर लग जाएगा, एकदम नीचे चले जाओ। जैसे कि अगर आप सीधे बीच जाना चाहते हो तो ऐसे नीचे जाके सीधे हो जाओ, ठीक है। इससे क्या, जो आपने ऊपर प्रेशर लिया जब वो पानी में आएगा ना, तो ये वाला प्रेशर सारा आपका डिले हो जाएगा, नीचे को डिले होगा ना, आगे फोर्स होगा, फिर आपको जो हाथ मूवमेंट चलानी है वो सीधे आगे बढ़ाएगी, ठीक है। ये पूल 20 मीटर है, ऐसे 20 मीटर है, मैं इसको पूरा कर लेता हूँ, मतलब कि मैं चला जाता हूँ आराम से, बड़ी आराम से, ठीक है। और 25 मीटर का पूल भी मैं आराम से पूरा कर लेता हूँ, मतलब कि 25 मीटर जाना फिर थोड़ा वापस भी आ जाता हूँ। तो क्या होता है कि सांस तो उतना ही रुकता है जितना रोक सकते हैं, पर
क्या होता है कि हम फ्लोर के साथ होते हैं, हमारी ये मूवमेंट ज़्यादा होती है, जब हम टर्न मारते हैं मूवमेंट ले लेते हैं दीवार से ज़्यादा। अब मैंने अंडर वाटर कर लिया, मैं दीवार के साथ लूँगा ना तो मैं ऊपर से एकदम नीचे बैठूँगा, सांस लेके ऐसे नीचे बैठूँगा तो प्रेस करूँगा इसके साथ और मेरी जो मूवमेंट होगी वो बहुत फास्ट होगी, जिसके कारण मैं इतना यहाँ तक बिना कोई हैंड मूवमेंट किए हुए, बिना थके हुए, बिना कोई ब्रीथ ज़्यादा आउट करके मैं यहाँ तक पहुँच जाऊँगा। तो रहते क्या है, चार हाथ मार के मुझे वहाँ तक पहुँच जाना है आसानी से। ये होता है अंडर वाटर की दूरी तय करने के लिए। अगर हमारे पास दीवार नहीं है तो हम जंप का सहारा लेते हैं ये वाले का, बल्कि मैं बाहर से आके मैं ऐसे अंदर जाऊँगा नीचे एकदम, ठीक है ना, बल्कि फिर मुझे प्रेशर लेना पड़ेगा, जिसके कारण जब मैं बाहर से आऊँगा तो मेरे लेग्स मूवमेंट पूरी पीछे से आके फिर अंदर जाएगी, बल्कि अंदर अंदर ही नहीं जाएगी कि हाँ भी मैं ऐसे मैं सीधा नीचे बैठ के सीधा हाथ मारने लग जाऊँ, ये वाला सिस्टम नहीं होगा। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि अंदर अंदर रहने के लिए हमें हैंड मूवमेंट ऐसे चलानी पड़ती है। ठीक है, आपने सिर्फ ऐसे ऐसे नहीं करना, एक बार इसको मूवमेंट को यहाँ ले आके ज्वाइंट करके पीछे प्रेशर मारना है, फिर होल्ड करना है एक सेकंड, ठीक है, फिर यहीं से ऐसे लेके आना बॉडी के साथ, फिर ये, ठीक है ना, ये नहीं है कि आपने ऐसे मूवमेंट मार के फिर आप ऐसे लेके जा रहे हो, नहीं, ऐसे लेके जाओगे तो आपकी जो स्पीड बढ़ रही है वो रुक भी जाएगी। आपने क्या करना, अंडर वाटर के लिए ऐसे खींच के ज्वाइंट करके नीचे मारना पूरा, फिर आगे जाओगे, फिर अपनी बॉडी के साथ ले जाके फिर आगे ये मूवमेंट। ठीक है, इससे क्या होगा, इससे एक बार दूरी मारी होगी आप काफ़ी दूरी तय करोगे आराम से। आपने सीधा खींचना है, हैंड मूवमेंट ऐसे लेके आनी है, ज्वाइंट करना है, इसको नीचे प्रेस करना है। जैसे कि एग्जाम्पल करो, मैं लेटा हुआ, मैं ब्रश कर रहा हूँ, अंडर वाटर कर रहा हूँ, जैसे मैं अंडर कर रहा हूँ, ये ऊपर गया, मैंने ऐसे लेके आया, प्रेशर के साथ ज्वाइंट हुई, जोर से ऐसे मारा, मैं काफ़ी स्पीड से आगे हो जाऊँगा, ठीक है ना, फिर ये यहाँ से ऐसे लेके आऊँगा, फिर ये दिश, अब सीधा कैसे, बल्कि ये जब ऐसे ऐसे खींचा मैंने अपने आप को, हाथ प्रेस किए, बल्कि प्रेस किए फिर जम, और ब्रश में क्या होता है, सिर्फ ये हैंड मूवमेंट यहाँ तक चलती है, यहाँ तक, ठीक है ना, ये होती है ब्रेस्ट की स्ट्रोक। ब्रेस्ट और अंडर वाटर दोनों काफ़ी वर्क करते हैं। ठीक है, आई होप कि आपको अंडर वाटर समझ में आ गया। और सांस रोकने की सबसे बेस्ट ट्रिक है, आप ऐसे करो, एक तो क्या ये, एक होता है मुंह फुलाना, जब आप मुंह फुलाते हो तो थोड़ा सा ज़्यादा ब्रेथ हम रोक सकते हैं, मतलब कि याद है, ठीक है, और जब आपको बहुत सांस चढ़ गया ना, आपने बाहर आना है गहरे ज़्यादा गहरे पानी में, तो हल्का सा फ्लोर पे नीचे पैर मारो तो आप एकदम ऊपर आ जाओगे। ठीक है, नहीं तो क्या होता है कि आप धीरे धीरे ब्रीथिंग छोड़ने लग जाओ, ठीक है, उससे आपकी दूरी तय हो जाएगी, पर ब्रीथिंग छोड़ते छोड़ते दूरी तय करते करते धीरे धीरे ऊपर आओ। ये दो टेक्निक्स होती है, ज़्यादा आप एकदम जब लग गया कि हाँ भी मैंने पूरा जोर लगा दिया तो आपने पैर मारना है, ऊपर आ जाना है और ब्रीथिंग छोड़ देनी है, शुरू कर देनी है, पर छोड़नी उतनी है उसी हिसाब से कि बाहर जब तक आपकी पूरी ब्रीथिंग खत्म हो जाए, पूरा सांस जो आपने रोका है छोड़ दो, तब तक आप बाहर आ जाओ। इसी हिसाब से नहीं कि ब्रीथिंग की जैसे आप 18 फिट में कर रहे हो या 16 फिट में कर रहे हो और आप ब्रीथिंग छोड़नी शुरू कर दी और आपको लगने लगा कि आप ऊपर पहुंच पाओगे, तो क्या करना है, आपने पहले पैर मार देना है, ब्रीथिंग को होल्ड करके रखना है, बीच में जाके जब आपका पूरा हो गया तो आपने ब्रीथिंग छोड़ने लग जानी है। तो एक बार नोट रखना, जब आपने ब्रीथिंग छोड़नी शुरू कर दी ना तो आप उसको रोक नहीं पाओगे, तो वो पूरी बाहर ही जाएगी। अगर आप रोकोगे तो आपको ब्रीथिंग और ज़्यादा हो जाएगी, मतलब कि और ज़्यादा सांस चल जाएगा, सांस फूल जाएगी। ठीक है, तो ये छोटी छोटी टिप्स का ख्याल रखना है। तो आई होप कि आपको अंडर वाटर समझ में आ गया। वैसे अंडर वाटर करने के लिए नीचे जाना है, एकदम नीचे, एकदम नीचे नीचे, कैसे बोले कि कैसे मैं आपको दिखा दूँ, मैं पूरा पूरा लेट के दिखा दूँ आपको, जैसे कि ये फ्लोर है, ये फ्लोर है, ठीक है, इसमें मैंने ना जैसे यहाँ नीचे इजीली मैं यहाँ ऐसे मेरी फेस बाहर है तो मैं नीचे जाऊँगा लाइक दिस ऐसे, तो ये यहाँ से प्रेशर मारूंगा लाइक दिस, प्रेशर मारूंगा मैं आगे हो जाऊँगा, तो मेरी ये मूवमेंट रहेगी ऐसे। ठीक है, मैं ऐसे आगे जाऊँगा, रुक जाओ, मैं ऐसे आगे जाऊँगा तो ये मूवमेंट मेरी ऐसे रहेगी, तो मैं इसको ऐसे खींच के जब ऐसे मारूंगा ना तो मैं और आगे जाऊँगा। ठीक है, तो अंडर वाटर, ठीक है, तो अंडर वाटर भी ये रहेगा। ठीक है, तो अंडर वाटर के लिए आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे आपने करनी है। तो अभी मैं भी स्विमिंग के अंडर वाटर ही कर रहा हूँ, ठीक है ना, ऐसी कुछ है नहीं। तो फ्रेंड्स, फाइनली आपको पता लग गया होगा कि अंडर वाटर में क्या क्या करना है, किस किस चीज़ों का ध्यान रखना है। तो जो मुझे बाइक काफ़ी कमेंट कर रहे थे क्या करना है, तो एक छोटी सी एक और टिप्स है, जो बाइक का कमेंट आ रहा था कि कानों में पानी चला जाता है, हर मेरे 3-4 दिन हुए, पहले 7 से 15 दिन हमारे कानों के पर्दे गिल्ले हो जाते हैं, जो कान में पानी जाता है वो ऐसे करके जो हम पानी रोक के सांस लेने की कोशिश करते हैं, नाक बंद करके मुंह बंद करके, तो पानी निकल जाता है। पर जो कान के पर्दे गिले होते हैं वो 15 दिन 7 दिन तक हमें कम सुनाई देता है,
और हमें हो जाता है कि हम ऐसे 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 करते रहते या फिर ऐसे ऐसे करते रहते हैं, हम थोड़ा इरिटेट रहता है, वो कान का पर्दा गिला रहता है 6 से 7 दिन 15 दिन रहता रहता है। तो उसके बाद जब आप रेगुलर करोगे तो वो चीज़ हट जाएगी। ठीक है, एक चीज़ कहूँगा, जब भी आप स्विमिंग करोगे नोज पिन प्लग पिन लगाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। 18 फुट गहरे में एकदम नीचे जाना है तो प्लग पिन लगा लेना, क्योंकि जब आप 18 फुट गहरे में जाते हो तो कानों पे बहुत भयानक वाला फर्क पड़ा प्रेशर पड़ता है, क्योंकि मैंने बनाई हुई है वीडियो, आप देख सकते हो मेरे चैनल पे, तो बहुत प्रेशर पड़ता है। तो बस आज के लिए इतना काफ़ी है, बाय फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर द वीडियो, ब्लॉगिंग बनाइए, अगर अच्छी लगी तो लाइक कर देना, तो बस थैंक यू।